सो हाई एवरीवन, क्या हाल आप सबके? कैसे हो आप सब? होपफुली पढ़ाई बहुत तगड़ी चल रही होगी आप लोगों की। इस वीडियो पर गैस मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा NICL असिस्टेंट के बारे में। देखो, SBI दे चुके हो, IBPS हो चुका है, तो ऑलमोस्ट अभी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होने वाला है बैंकिंग एग्जाम्स के, इसके बीच में यही सारे एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे, लाइक LIC असिस्टेंट, NICL असिस्टेंट। तो उस वैसा ही कुछ एग्जाम था NICL असिस्टेंट का, जिसमें 300 वैकेंसीज थी। स्टेट वाइज वेरी करता है, टोटल वैकेंसीज 300 के अराउंड है। एंड इफ आई टॉक अबाउट अटेम्प्ट्स इन NICL असिस्टेंट, देखो क्या होता है ना, ये सब एग्जाम्स जो होते हैं सीटें कम होने की वजह से अटेम्प्ट्स लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं। पेपर भी थोड़ा मॉडरेट ही रहता है, ईजी से मॉडरेट ही कह सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ होता है नहीं पेपर। तो अगर लास्ट लास्ट डेज की एग्जाम की बात करूँ, तो लोगों को ऑलमोस्ट अटेम्प्ट्स 85+, 85, 90, 95 ऐसे अटेम्प्ट्स है लोगों के मोस्ट ऑफ द केसेस के। एंड अगेन, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसमें, देखो कट ऑफ तो ऑब्वियसली भाई लोग, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। कहीं के कई कई के स्टेट्स में आपको 90+ भी दिख सकता है, कहीं 85+ भी दिख सकता है। 85 के नीचे मुझे नहीं लगता किसी स्टेट में जाएगा। एक दो स्टेट्स होंगे जहाँ 75-80 भी जाएंगे, लाइक नॉर्थ स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के एक दो स्टेट्स है। सो यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी इन द हायर साइड, 85, 90, 92, 93 ऐसे हो सकते हैं। जैसे EPFO हुआ था, जब मैंने 2000 आई थिंक 19 का पेपर था, EPFO में कट ऑफ था 95 एंड आई क्लियर EPFO प्रीलिम्स ऑल्सो। तो आप ये देख सकते हो। बाकी यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो एक्यूरेसी मैटर्स इंग्लिश में स्पेशली। मैथ्स रीजनिंग तो ऑलमोस्ट जो जो भी आप बना रहे हो तो सही ही बनाते हो, तभी आप टिक करते हो। बट इंग्लिश में क्या होता है ना, एक्यूरेसी आपकी 90%, 95% अगर हो जाएगी तो डेफिनेटली यू विल क्रैक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बाकी बहुत ज़्यादा फोकस मत करो इस पर। अब देखो प्रीलिम्स दे चुके हो, अब मेंस के मॉक वॉक लगाते रहो एंड पढ़ाई करते रहो। अभी कोई एग्जाम सामने है नहीं, LIC असिस्टेंट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, चीयर्स।